वेलकम टू इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा आहूजा। आपके गांव और शहर का कितना विकास हुआ है? आपके विधायक ने अब तक क्या कुछ किया है? चुनाव से पहले आपके नेता का रिपोर्ट कार्ड। पेश करता है इंडिया फर्स्ट का खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट। आज जानते हैं मध्य प्रदेश से राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड और इंडिया फर्स्ट एडिटर इन चीफ आशुतोष के साथ करते हैं रियलिटी चेक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील एक ऐतिहासिक रियासत है। कुदरत की खूबसूरतियों से भरपूर नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ का चिड़ीखो अभयारण्य सैलानियों को आकर्षित करता रहा है। नरसिंहगढ़ को संघ का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ टक्कर बनी रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गिरीश भंडारी ने दो बार से विधायक रहे भाजपा के मोहन शर्मा को करारी शिकस्त दी। हालांकि गिरीश भंडारी के लिए इस बार ये राह आसान नहीं है। सूत्रों की माने तो राजगढ़ से भाजपा सांसद रोडमल नागर नरसिंहगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में नरसिंहगढ़ के गढ़ में किसका झंडा लहराता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में। और आज के हमारे खास मेहमान है राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक गिरीश भंडारी जी। गिरीश जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया फर्स्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गिरीश जी। नरसिंहगढ़ वो क्षेत्र है जिसे कहा जा सकता है कि मालवा का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, लेकिन इतना बेहतरीन जो कुदरत की जो नेमत उसे मिली है उसके बावजूद भी एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर वो विकसित नहीं हो पाया, क्या वजह है? उसकी वजह यह रही है कि पिछले 10 वर्षों में जब पिछला जो कार्यकाल, दो कार्यकाल जो निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लेकिन इस मामले को उन्होंने उठाया नहीं और इस बारे में प्रयास नहीं किए, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों से सरकार भी थी प्रदेश में और वो पार्टी के विधायक भी थे, लेकिन उन्होंने इतना प्रयास नहीं किया। मैंने इसके लिए जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए इसके बाद तत्काल मैंने जो है विधानसभा में इस बात को उठाया। मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी, प्रश्न के माध्यम से भी इस मामले को उठाया कि क्यों ना नरसिंहगढ़ को टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए। और उसका कारण भी मैंने उनको दिए थे कि भाई भोपाल से ही 80 किलोमीटर दूर है और नरसिंहगढ़ के पास में एक बहुत बड़ा हमारा एक चिड़ीखो सेंचुरी है, चूँकि इन सब चीज़ों को मिला के एक साका जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है, इन सब चीज़ों को लेकर अगर इसको पर्यटक के लिए डेवलप किया जाए, हमारे नरसिंहगढ़ में महादेव, छोटे महादेव, बड़ा महादेव, ऐसे बहुत से पहाड़ी पे अच्छे अच्छे मंदिर और बहुत बढ़िया ऐसे झरने हैं कि जिससे इसको डेवलप किया जा सकता था जी। मतलब आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी। अच्छा, दूसरा एक महत्वपूर्ण जो नरसिंहगढ़ का एक रीजन ये भी है कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, सड़कों पर काफी जो है लूटमार की घटनाएं भी पेश आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर में कमी है और उसके लिए जब हम जब कभी भी जो हमारे ज़िले के जो SP उनसे हम जब चर्चा करते हैं तो हमेशा वो पुलिस बल की कमी बताकर और इस चीज़ से अनदेखा करते हैं। वो मेरे यहाँ कुछ ऐसे समीकरण भी हैं, कुछ ऐसी गांव भी हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ क्राइम में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है। अब बताइए गिरीश जी, कितना मुश्किल होता है, जैसा आपने खुद बताया कि क्रेडिट लेने वाली बात आती है, आप जो हैं कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी के अगर क्रियान्वयन होता है विकास योजनाओं का तो उसका सीधा तौर पे जो क्रेडिट है वो राज्य सरकार लेगी? नहीं, मैं क्रेडिट में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे क्षेत्र के लोगों ने एक विपरीत परिस्थितियों में जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विधायक जीते, सरकार बनी, उन विपरीत परिस्थितियों में जनता ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इतने भारी मतों से उन्होंने मुझे विधानसभा में पहुँचाया, तो मैं क्रेडिट लेने के लिए मैं यहाँ राजनीति नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं रोडमल नागर जी, उनका भी काफी जो बड़ी जो सांसद निधि है वो आपकी विधानसभा में खर्च हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। और आपकी विधानसभा से कितने तैयार हैं आप? नहीं, मैं मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार रहेगा। अभी तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी। पार्टी जो मुझे निर्देश देगी पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगा। अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो मैं निश्चित जो मैंने सेवा की है उसके लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा।
आपको लगता है कि अब कांग्रेस को अपना चेहरा जो है वो घोषित कर देना चाहिए अगर प्रदेश में वापसी करनी है तो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता कि कोई चेहरा घोषित करने से सफलता मिलेगी। कांग्रेस का जो दायित्व है, जो धर्म है, आज विपक्ष के नाते आज हम लोगों को हर समस्या के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमें चाहे किसान आंदोलन हुआ, चाहे मजदूरों का हो, चाहे किसी का हो, आपको लगता है कि जो गुटबाजी है वो हर बार कांग्रेस को रोक देती है, जो रिजल्ट आने चाहिए उसके पक्ष में नहीं आ पाते हैं? गुटबाजी किस पार्टी में नहीं होती, हर पार्टी में गुटबाजी होती है। तो ये तो खैर एक ऐसा सत्य है कि जिसको हम मतलब नकार नहीं सकते हैं, लेकिन चुनावों में इन चीजों में गुटबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात जो आप अपने आला कमान तक पहुंचाना चाहेंगे, अपने पार्टी के शीर्ष स्तर पर पहुंचाना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ कर लिया जाए, एक सुझाव आपकी तरफ से, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापसी कर सकती है? नहीं, मेरा तो खैर मैं उसमें नहीं मानता हूं कि मैं शीर्ष नेताओं को मैं अपना कोई वो दूं, क्योंकि वो मेरे से सीनियर लीडर हैं, वो सब बहुत अनुभवी हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि पूरी पार्टी को इस समय संघर्ष करना चाहिए जनता के लिए। आज चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, आज कहीं ना कहीं केंद्र की और प्रदेश की नीतियों के कारण परेशान है, और इस परेशानी में हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी लड़ाई को लड़ना चाहिए। अगर हमने ईमानदारी से उनकी लड़ाई को लड़ा तो निश्चित 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश भंडारी जी, नरसिंहगढ़ विधायक। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुस्तैद जरूर है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सामने जरूर आ रही कि सियासत जो है वो विकास को प्रभावित करती है। कांग्रेस के अगर विधायक हैं तो उनका कहना है कि वहाँ उनके क्षेत्र में विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है, उस काम को कराने में उन्हें काफी जद्दोजहद करने पड़ती है, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो जनता को ही भुगतना पड़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम विकास के कार्यों में सियासत जो है वो बाधा नहीं बने, रिजल्ट चाहे जो हो। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के लिए भी एक नसीहत सामने आ रही है कि एकजुटता बेहद जरूरी है। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।